बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाम दो वो या का नस्ताइन। मेरे पाकिस्तानियों, इब्ने खालदून जो दुनिया मानती है कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है, जो जिस तरह मॉडर्न तारीख लिखी गई, उसको बाप मानते हैं कि वो सबसे पहले उसने तारीख को सही माने में लिखना शुरू किया। तो इब्ने खालदून एक जगह कहते हैं कि मैंने जब जितना कुरान और इस्लाम की स्टडी की है तो मैं एक नतीजे पे पहुंचा कि अल्लाह ने इंसान को दुनिया में भेजा ही एक वजह से कि अल्लाह की ज़मीन पे इंसाफ कायम करो। इंसाफ के ऊपर आप कोई भी दुनिया का माशरा ले ले, जब इंसाफ होता है तो वो माशरा ऊपर खड़ा होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब था मदीना में, कोई इसकी मिसाल नहीं है दुनिया की तारीख में, कि हिजरत होती है 622, जंगे बदर होती है 625, 313 लड़ने वाले, और 11 साल के बाद एक सुपर पावर घुटने टेकती है, रोमन एम्पायर, और उसके अगले साल दूसरी सुपर पावर घुटने टेकती है, पर्शियन एम्पायर कत्सिया में। तो तारीख का हिस्सा है, लेकिन ये तो कोई मुताला करे कि ये क्या हुआ था कि वो एक लोगों की कोई हैसियत नहीं थी, उन्होंने दुनिया की इमामत की और कई सदियों तक। बुनियाद इंसाफ पे रखी गई थी, अदल और इंसाफ, उसके ऊपर वो माशरा खड़ा हुआ था। और वो इंसाफ ऐसा था कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला एक यहूदी से केस हार जाते हैं, काजी खलीफा वक्त की बेटे की गवाही नहीं मानता। वो इंसाफ ऐसा था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरी बेटी भी अगर चोरी करेगी तो उसको सजा मिलेगी, कोई कानून से ऊपर नहीं है। और जो माशरे ताकतवर को कानून से ऊपर रखते हैं उनकी हदीस है, वो तबाह हो जाते हैं। तो आज जो पाकिस्तान है, मैं अपने सारे पाकिस्तानियों के सामने ये बात कर रहा हूं कि हम अब बिल्कुल तबाही की तरफ जा रहे हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैक डाउन हुआ है कि हमारे लोगों को जेलों में डाला हुआ है, जेल भरे हुए हैं, हर रोज नए लोग पकड़ रहे हैं, रिश्तेदार पकड़ रहे हैं, जो कहानियां सामने आ रही हैं वो खौफनाक कहानी है। कभी पाकिस्तान की तारीख में इस तरह एक नंगा हो के एक ताकत ने इस तरह का जुल्म किया हुआ अपने लोगों के ऊपर, कोई इसकी मिसाल नहीं है। मैं मुशर्रफ के माशरों में, मैं ऑपोजिशन में था, मैंने कभी इस तरह का जुल्म नहीं देखा। तो ये जो इंसाफ की धज्जियां उड़ाई गई हैं और ये ताकत की हुक्मरानी, जंगल का कानून कायम किया गया है, मैं सबसे पहले दो तीन चीज़ें कहना चाहता हूं और मैं फिर अपनी सारी कौम को ये बताना चाहता हूं कि हम जा किधर रहे हैं। यानी कोई चले ये सब कुछ कर रहे हैं तो कोई रोड मैप होगा ना कि हम इससे निकल के तो खुशहाल हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तानी, मैं अभी आपको फिर से बताऊंगा कि हमारे मुल्क के माशी हालात क्या हैं। तो जिस तरह मुल्क माशी तौर पे तबाही की तरफ जा रहा है, तो कोई तो रोड मैप होगा ना कि ये जो जुल्म किया जा रहा है, ये जो पूरी जमात को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, क्या इसका कोई मुल्क को तो कोई फ़ायदा हो ना। तो मैं सबसे पहले मैं ये चीज़ें इसलिए कहना चाहता हूँ कि मैं ये कभी ये सोचता नहीं था कि मेरे मुल्क में इस तरह की चीज़ें होंगी। जैसी भी हुकूमतें आई हैं, अयूब खान का मार्शल लॉ आया, ज़िया उल हक का आया, सुना बड़ा पीपल्स पार्टी पे सख्त मार्शल लॉ था, लेकिन जो पीपल्स पार्टी के मिराज मोहम्मद खान थे वो मुझे बताते थे, क्योंकि वो हमारी जमात में एक वक्त पे हमने उनको सेक्रेटरी जनरल बनाया था, तो वो मुझे बताया करते थे कि ज़िया उल हक के ज़माने में क्या था। और मुशर्रफ का मैं आपको खुद बता दिया, कभी इस तरह का जुल्म नहीं हुआ। सबसे पहले तो ख्वातीन के ऊपर कभी ऐसा जुल्म नहीं हुआ, कभी चादर और चार दीवारी को इस तरह बेशर्मी से, यानी कभी उसको इन्होंने चादर और चार दीवारी का जो एहतराम होता है उसको तबाह नहीं किया गया। औरतों के ऊपर ही मैं कभी अपनी जिंदगी में मैंने नहीं देखा
कि हमारे मुल्क में औरतों से ये बर्ताव किया जो किया जा रहा है आज, सिर्फ इसलिए कि वो यही नहीं तहरीक इंसाफ की कोई मेंबर्स हों या कोई कोई ऑफिस बेरर हो, जो ट्वीट भी करती हैं, जो हिमायती भी हैं, जो वोटर भी हैं, उनका भी पता चलता है, उनको पकड़ लेते हैं। तो एक असलम इकबाल ने एक लेटर लिखा है, ये जो CCPO है और ये IG है और ये जो चीफ मिनिस्टर है इस वक्त पंजाब का, ये पढ़ने वाला है, मैंने इसको आज ट्वीट भी किया है। उसने बताया कि उसके सारे घर के ऊपर कैसा जुल्म हो रहा है, उसकी 80 साल वालदा की भी परवाह नहीं की गई, वो ऑक्सीजन के ऊपर है, उधर घुस गए, उससे बदतमीजी की क्योंकि असलम इकबाल छुपे हुए हैं, उनके भाइयों से क्या किया, कारोबार से क्या किया, कारोबार बंद कर दिए, भाइयों के घरों में चले गए, भाइयों एक भाई का जो बाहर से कोई उसका बेटा आया हुआ था उसको जाके इलेक्ट्रिक शॉक लगाया, उसका बाजू नहीं काम कर रहा, वो दुबई में इलाज करवा रहा है, यानी सारे खानदान को, उनकी बिजनेस को, जिस तरह इन्होंने सिर्फ इसलिए कि मियां असलम किसी तरह निकल के और कह दे कि जी मैं बस जी मैं नाव में के खिलाफ हूँ और मैं फौज के साथ हूँ, मैं PTI छोड़ रहा हूँ, इसके लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। हमाद अजहर के मियां अजहर एक पाकिस्तान की सियासत, पंजाब की सियासत में एक वो इज्जतदार नाम है जिसकी सब उसके मुखालिफ भी तारीफ करते हैं। 84 साल के मियां अजहर, जिनको कई बीमारियाँ हैं, उनकी तबीयत नहीं ठीक, उनको उठा के ले गए क्योंकि हमाद अजहर नहीं था। बाकी लोगों के घरों में घुस के, यानी जो मैं कहानियां सुन रहा हूं, कराची के अंदर भी बात हो रही थी, कराची में तो कुछ हुआ ही नहीं, कराची में क्यों जाके लोगों को उठाना शुरू कर दिया, कराची के अंदर वहीं छापे पड़ रहे हैं, लोगों को जेलों में डाल रहे हैं, और वहां बैठा हुआ आसिफ जरदारी, जो सारी जिंदगी उसने सिर्फ एक काम किया है, मुखालिफों को क्रश किया, मुखालिफों को ख़त्म किया, झूठे केसेस, और जो जो खरीदा जाता है उसको खरीद लेता है, बाकी सारों को वो ख़त्म करता है जो माफियाज करते हैं, वहाँ जुल्म किया जा रहा है, हर एक के ऊपर FIR है, लोग छुपे हुए हैं, और सिर्फ एक तरीका कि आप जनाब पार्टी छोड़ दें तब वो ठीक उनको निकल जाते हैं। ये भी सोच लें कि आज हमारे इंसाफ के निज़ाम, यानी ये कैसे कोई इस तरह कि आपके ऊपर हर किस्म का केस है, दहशतगर्दी का सब केस लगा हुआ है, जैसे ही आपने कहा मैं पार्टी छोड़ रहा हूं केसेस खत्म, तो ये क्या हमारी अदलिया, हमारी लीगल कम्युनिटी ये नहीं देख रही क्या हो रहा है? क्योंकि ये तो सारे दुनिया में किसी भी कानून ये इजाजत नहीं देता। तो उसके अलावा, इनके अलावा मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि कराची के अंदर जिस तरह लोगों को इन्होंने जेलों में डाला हुआ है, और जो मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ है कि जो हमारे लोगों को, अगर जेल के अंदर जगह 20 लोगों की है तो वहाँ 60 लोग भरे हुए हैं, वो सो भी नहीं सकते, कईयों को खड़ा होना पड़ता है, कोई सोते हैं, खाना नहीं सही देते, कईयों ने जिस तरह का खाना दिया वो लोग खाना नहीं खा सकते, कईयों के पेट खराब हो गए हैं, यानी इन कंडीशंस के अंदर सियासी वर्कर्स को रखा हुआ है, जो सबसे शर्मनाक बात है, क्योंकि मुजरिम नहीं है यहाँ, इतने इतने बड़े मुजरिम जिन्होंने अरबों रुपए का इस मुल्क को नुकसान करके, फिर मनी लॉन्ड्रिंग करके मुल्क से पैसा बाहर भेजा हुआ है, क्या उनकी ऐसी ट्रीटमेंट किसी की थी? केसेस तो पुराने बने हुए थे, क्या किसी को ऐसे रखा गया था? तो ये सारा प्लान बना हुआ है सिर्फ एक पार्टी को ख़त्म करने के लिए। तो ये पार्टी को ख़त्म करते करते क्या ये जो इस वक्त ताकत में बैठे हुए हैं, इनको अंदाज़ा है कि ये पाकिस्तान से क्या कर रहे हैं? क्योंकि मुल्क, दुनिया में मुल्क खड़ा होता है रूल ऑफ लॉ पे, जिस वक्त उस मुल्क का रूल ऑफ लॉ खत्म होता है उसको बनाना रिपब्लिक कहते हैं। हमारा मुल्क अब बनाना रिपब्लिक है, जिधर कोई कानून नहीं है, जिधर कमजोर को कोई ताकतवर से इस वक्त तहफुज देने वाला नहीं है। मैं तो सिर्फ सलाम करता हूं उन जजेस को कि वो सारे प्रेशर के बावजूद आज वो फिर भी खड़े हैं, लेकिन पूरी तरह प्रेशर डाला हुआ है जजेस के ऊपर। और मैं फिर से बताऊं कि इस तरह का कोई नीचे नहीं गिरता, उनकी फाइलें बनाई हुई हैं, कोई हर किसी ब्लैकमेल करने के लिए कि जी आपकी हमें, बच्चों पे आ गए हैं, घरों पे आ गए हैं, ख्वातीन के ऊपर आ गए हैं,
मैंने एक बताया भी कि हमारे मेंबर ने छोड़ी पार्टी, तो उसने कहा जी मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब तक तो मेरी बिजनेस पे था, अब मेरे घर पे पहुंच गए, हमारी औरतों पे पहुंच गए, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो इस लेवल के ऊपर इस वक्त इस मुल्क में जुल्म हो रहा है। मैं सिर्फ ये बता दूं कि जो कलेक्टिव पनिशमेंट है, यानी आप एक फर्द को पकड़ने जा रहे हैं, उसने कोई जुर्म भी किया हो, तो कोई दुनिया का कानून इजाज़त नहीं देता कि जो बाकी उसके रिश्तेदारों को उठा लें। ये कलेक्टिव पनिशमेंट आजकल के दौर में सिर्फ एक मुल्क में है, इसराइल में, और वो किससे करते हैं? वो फलस्तीनियों से करते हैं, अपने लोगों से नहीं करते हैं, इसराइलियों से नहीं करते, वो फलस्तीनियों से ये करते हैं। ये हिटलर के जब नाटसी जर्मनी जब दुनिया का स्यातरीन दौर था, ये तब वो गुस्तापो उठाया करती थी लोगों को कलेक्टिव पनिशमेंट में, कि जो भी अगर वो नहीं मिला एक जिसको पकड़ने गए तो घर वालों को पकड़ लेते थे। ये स्टालिन का जो 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 बड़ी सख्त डिक्टेटरशिप थी सोवियत यूनियन की, ये स्टालिन की डिक्टेटरशिप के अंदर इस तरह की चीज़ें होती थी। ये सिर्फ चाइना में एक दौर में हुआ था उनके कल्चरल रेवोल्यूशन के अंदर, ये होता ही नहीं है ऐसे। ये कोई दुनिया का इंसाफ का निज़ाम कलेक्टिव पनिशमेंट की इजाज़त नहीं देता जो आज पाकिस्तान से हो रही है। लेकिन ये अब हो क्या रहा है? एक पार्टी को ख़त्म करते हुए कि जी इमरान खान के ऊपर काटा डाल दिया, तहरीक इंसाफ को जीतने नहीं देना इलेक्शन, इलेक्शन तब होंगे जब तहरीक इंसाफ ख़त्म हो जाएगी जो करने की कोशिश हो रही है। तो मैं सवाल पूछता हूँ कि उसके बाद क्या होगा? मेरी सिर्फ जो ताकत में बैठे उनसे सवाल ये है कि उसके बाद क्या होगा? अगर ये सारे काम करके मुल्क के कानून और अदलिया की सारी क्रेडिबिलिटी ख़त्म करके, इंसाफ का निज़ाम ख़त्म करके, इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी तो पहले ही ख़त्म हुई हुई थी, उसको जो इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ एक पार्टी को ख़त्म करने के लिए, FIA, वो जो जिसको पकड़ना था, जिसके 16 अरब रुपए के प्राइम मिनिस्टर ये शहबाज शरीफ के केसेस थे, वो तो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने के लिए वो FIA लगी हुई है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। नैब को सिर्फ एक मकसद से लगाया हुआ है, कुछ ढूंढो इसके ऊपर, इमरान खान के ऊपर, लोगों के ऊपर, ताकि किसी तरह इनको ख़त्म किया जाए और बाकियों को कहो कि पार्टी छोड़ दें। इन इदारों की सारी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है। मीडिया, मीडिया ने भी और जिस तरह अदलिया ने, ये एक प्रोसेस था, एक जदोजहद करके एक वकला मूवमेंट शुरू हुई थी 2007 में, जिसकी जदोजहद में अदलिया आज़ाद हुई थी और लोगों को एतमाद था कि अगर हुकूमत हमारे पर जुल्म करेगी तो अदलिया खड़ी है रास्ते में। वो ख़त्म हुआ है, उसको सारा दिन ब दिन उसको ख़त्म करते जा रहे हैं कि लोगों का एतमाद ही उठ रहा है। हमारी पार्टी का तो एतमाद ही उठ गया है कि लोगों को निकलते हैं, जज ऑर्डर भी करता है, कोई सुनता ही नहीं है जज की। मुझे ये बताएं कि मैंने आइन को सामने रखते हुए मैंने तब ये फैसला किया कि हम ये पंजाब की गवर्नमेंट नहीं चला सकते, ये गिराने की कोशिश कर रहे थे, तो हमारे पास तो एक की मेजॉरिटी से गवर्नमेंट हमारी बची हुई थी, हम तो काम कर ही नहीं सकते थे। सारा वक्त कोशिश हो रही थी गवर्नमेंट गिराने के लिए, पैसा चल रहा था, ऊपर से नामालूम अफराद पूरा जोर लगा रहे थे गवर्नमेंट गिराने के लिए। तो हमने आईन को सामने रखते हुए इलेक्शन करो, इलेक्शन डिसॉल्व की अपनी गवर्नमेंट, वही हमने पख्तूनख्वा में की, वहाँ पैसे नहीं दे रहे थे। जो कबायली इलाका जो ज्वाइन किया था उनके लिए फंड हमने ज़्यादा दिए हुए थे, वही बंद कर दिए उन्होंने, हेल्थ कार्ड का पैसा नहीं आ रहा था। तो जब हमने सोचा कि हम गवर्नमेंट ही नहीं चला सकते, हमने आइन के मुताबिक दुनिया की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की रवायत के मुताबिक, आइन के मुताबिक हमने अपनी गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दी। 90 दिन में इलेक्शन होना था, हमें तो कोई इलेक्शन ही नहीं मिला, यानी ओपनली आइन की इन्होंने खिलाफ वर्जी की है। और मैं अपने सुप्रीम कोर्ट से अब इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये तो आपकी अब क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है, सारे सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी स्टेक पे है कि अगर आप आइन में 90 दिन में इलेक्शन ही नहीं आप करवा सके तो मुझे बताएं क्या चीज़ रोक रही है कि इन्होंने अगर अक्टूबर में सोचा कि जी अभी तहरीक इंसाफ अभी भी जीत सकती है तो अक्टूबर भी ना इलेक्शन करवाएं। ये तो सारा पाकिस्तान का जो जिसके ऊपर बेस होती है, देखिए जमहूरियत बेस होती है आइन के ऊपर, आइन के मुताबिक कानून बनते हैं। तो जब एक दफा आइन की खत्म हो गई, सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट्स की परवाह नहीं हुई, तो वो बन जाती है बनाना रिपब्लिक।
और बनाना रिपब्लिक का कोई मुस्तकबिल नहीं होता जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ माशी तौर पे। और फिर मीडिया, और मीडिया का भी एक 20 साल का सफ़र था, उससे पहले तो मीडिया बंद था, उससे पहले तो सिर्फ जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था वो तो सिर्फ PTV थी। तो जनरल मुशर्रफ, उसको दाद दें हम कि वो एक डिक्टेटर होते हुए उसने मीडिया खोल दिया, क्योंकि जनरल मुशर्रफ के साथ सपोर्ट थी, लोग तंग थे इन दोनों पार्टी से, इनकी करप्शन दो दो दफ़ा करप्शन में गई, लोग तो तंग थे, तो लोगों ने मुशर्रफ को खुशामदेद, उसको वेलकम किया। मुशर्रफ ने मीडिया खोल दिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और वो फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने शऊर पैदा किया पब्लिक के अंदर। मेरी पार्टी बनी क्योंकि मुझे मौका मिल गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जाने के लिए, नहीं तो टू पार्टी सिस्टम है, तीसरी पार्टी तो नहीं आती। अब वो सारा जो मीडिया का एक पूरा एक सफ़र तय करके यहाँ पहुँचे थे, वो ज़ीरो हो गए। एक हुक्म मिला है कि इमरान खान का आपने नाम नहीं दिखाना, यानी जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, जिस लीडर के ऊपर इस वक्त सबसे ज़्यादा पब्लिक ओपिनियन में सपोर्ट है, उसको गायब कर दिया, तो दिखाना क्या फिर मीडिया पर। और फिर सहाफ़ी चुप करके, यानी मैं आज देखना चाहता था कि कितने में दम है, क्या वाकई आप आज़ादी राय और आज़ादी मीडिया के साथ खड़े थे, या आपको कितनों को सिर्फ ये आज़ादी राय के पीछे छुप के एजेंडाज के ऊपर काम कर रहे थे, और मालिकान के जो एजेंडाज हैं उनके ऊपर काम कर रहे थे, और मालिकान उनसे फ़ायदा उठाते हैं, उनको इतना फ़ायदा इससे नहीं होता जो चैनल से मिलता है, उनको जो बिजनेसेस में फ़ायदा होता है। तो कितने सहाफ़ी थे जो उन एजेंडाज पे चल रहे थे। अल्लाह का करम ये है कि दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है, इस मुश्किल वक्त में लोगों का पता चलता जा रहा है, और मीडिया की पूरी समझ आनी शुरू हो गई है कि मीडिया किधर खड़ा है, और लोग सारे सोशल मीडिया पे चले गए हैं और सोशल मीडिया से अब इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, क्योंकि उस कौम को तो पता चल गया कि मीडिया अब सेंसर हो गया बिल्कुल। और उसके बाद जो अगली बात करता हूँ कि अब इसके बाद हमारी इकॉनमी आ गई, हमारी जमहूरियत भी ख़त्म, इदारे जमहूरी इदारे भी ख़त्म, सिर्फ एक पार्टी को बाहर रखने, लेकिन जो सबसे बड़ा इस वक्त जो मुल्क को ख़तरा है वो तो हमारी मईशत का है, इकॉनमी हमारी बैठ गई है। मैं सिर्फ फिर से अपनी कौम को बताना चाहता हूँ कि इस वक्त इकॉनमी का हाल क्या है। हम जब छोड़ के गए थे 6.1% पे हमारी इकॉनमी बढ़ रही थी, यानी दौलत में इजाफा हो रहा था मुल्क में। और मैं फिर ये कहूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा अमरीकी डॉलर्स ना आने के, जो कि अयूब खान के दौर में आए, ज़िया के दौर में आए, मुशर्रफ के दौर में आए, तब ग्रोथ रेट ऊपर थी। ये पहली दफ़ा है कि दो साल हमारी एवरेज 6% पे इकॉनमी घुसी, कोई बाहर से डॉलर नहीं आ रहे थे, ऑलराउंड इंडस्ट्री अच्छा कर रही थी, ज़राअत अच्छा कर रही थी, सर्विसेज में इजाफा हो रहा था। तो जब मुल्क जब ऊपर जा रहा था 6% पे, उधर से साजिश करके एक आदमी ने बंद कमरे में फैसला करके गबंड कराई। अब आज देखें ज़रा क्या हालात हैं। पाकिस्तान की 6.1% से आज हमारी ग्रोथ रेट यानी इकॉनमी में जो इजाफा है वो पहुंच गई है 0.3 पे। इंडिया इस वक्त 7.2% पे बढ़ रही है आगे, ग्रोथ रेट आगे। बांग्लादेश 5.5% पे बढ़ रही है, और हम 0.3 पे पहुंच चुके हैं एक साल के अंदर। हमारा जो मुल्क का जो एक्सपोर्ट्स हैं, देखिए ना, जब तक आमदनी आती है डॉलर से, तो हमारी एक्सपोर्ट तो हर साल बढ़ रही थी इस वक्त, और एक्सपोर्ट्स यानी डॉलर्स अंदर आते हैं जब चीज़ें बेचते हैं, 13.6% पे एक्सपोर्ट्स गिरी हैं एक साल में। और जो दूसरी चीज़ डॉलर्स अंदर आते हैं रेमिटेंसेस से, वो 13% पे गिरी हैं रेमिटेंसेस। इनका मिला के, और फिर जो इन्वेस्टमेंट है, जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है, डॉलर्स आते हैं ना, वो 90% गिर गए हैं एक साल में, 90% इन्वेस्टमेंट गिर गई है। और हमारा जो रोशन डिजिटल हमने अकाउंट खोला था, जो 1.5 साल में $5 अरब पे पहुंच गया था, वो आज उसमें पैसे निकाल रहे हैं लोग। यानी कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हमारा सबसे बड़ा एहसास है, वो इतमाद खो बैठा है इस गवर्नमेंट पे। तो जब टोटल हमारा कितना, हमने कितना एक साल के अंदर
नुकसान कितना हुआ है इन्वेस्टमेंट में और इस पे इन्वेस्टमेंट पे और रिमिटेंस और एक्सपोर्ट्स पे, 7 अरब डॉलर। तो आईएमएफ के पास 6 अरब डॉलर हम मांग रहे हैं या 7 अरब डॉलर का मुल्क की आमदनी में कमी आ चुकी है। फिर आगे चलें, इस वक्त जो पाकिस्तान का कर्जा है, पिछले 12 महीने में पाकिस्तान ने तकरीबन 15,000 अरब रुपए का कर्जा लिया है। अब ये याद रखें, 15,000 अरब का कर्जा 12 महीने में। हमारी हुकूमत जो पहले ही मुश्किल वक्त में आई थी, क्योंकि सबसे बड़ा खसारा बैरूनी खसारा छोड़ के गए थे, हमारा जो टोटल हमने अपने दौर के अंदर कितना हमने खसारा लिया, कितना हमने कर्जा लिया, हमारा 18,500 अरब 3.5 साल में, इन्होंने 1 साल में 15,000 अरब रुपया कर्जा लिए। ये जो कर्जा बढ़ रहा है मुल्क में और कर्जा और बढ़ता जाएगा क्योंकि आमदनी तो कम होती जा रही है। इस वक्त जो आम आदमी को सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही है वो है महंगाई, इन्फ्लेशन। हम छोड़ के गए थे 12.4% पे, आज पाकिस्तान में महंगाई 38% पे है। ये हमारी 75 साल तारीख में सबसे ज्यादा महंगाई है। फिर उससे ज्यादा खौफनाक है जो खाने पीने की चीजें हैं, जो फूड इन्फ्लेशन है, वो 48% पे है। यानी जो आम आदमी को सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही है खाने पीने की चीजें, वो 48% पे हमारी इन्फ्लेशन है। श्रीलंका, जिसका हमारे से ज्यादा बुरा हाल है, वो अपनी महंगाई कम करके 25% पे ले आया है। याद रखें, श्रीलंका में लोग सड़कों के ऊपर आ गए थे महंगाई की वजह से, आज वो 25% पे आ गई है, जबकि पाकिस्तान की महंगाई 38% पे पहुंच गई है। और फिर जो इंटरनेशनल जो कीमतें, जिसकी वजह से हमारे दौर पे महंगाई महंगाई लोग कर रहे थे, 30% कमोडिटी की कीमत इंटरनेशनली गिरी है। यानी तेल, जो एनर्जी प्राइसेस थे, जो पाम ऑयल था, यानी जो हम घी मंगवाते थे, वो आज आधी कीमत पे है। लेकिन ओवरऑल 30% दुनिया में ये जो चीजें महंगाई बढ़ा रही थी वो कम हो गई हैं, और पाकिस्तान में अब ये बढ़ती जा रही हैं। और फिर 2-3 और चीजें, ये जरा आप देख लें कि हमारे पास कोई अब रोड मैप नहीं है कि हमने 30 अरब डॉलर जून तक वापस, जून 2024 तक वापस करना है। हमारे पास कोई रोड मैप नहीं है कि हमने तकरीबन 1 साल में 30 अरब डॉलर वापस करना है, क्योंकि डॉलर की जो इनकम है वो तो कम होती जा रही है। और फिर सारे हमारे इस वक्त कम हो गए, जो हमने हमारा रिकॉर्ड टैक्सेस हमने कटे किए थे, वो रिकॉर्ड टैक्सेस भी नीचे चले गए हैं, और हमारी जितनी भी टारगेट्स हैं इस गवर्नमेंट ने मिस कर दिए। जो इस वक्त सूद है वो 21% है, तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी? 21% सूद पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा है, तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी? और फिर जो इस वक्त सेल हो रही है डीजल की, बिजली की, सीमेंट की, वो 20-30% गिर चुकी है। इसका मतलब बड़े तौर पे बेरोजगारी आ रही है, बेरोजगारी आ चुकी है। मैं सिर्फ डॉक्टर उसकी आखिर में डॉक्टर पाशा जो पाकिस्तान में सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं, बड़े नाम है उनका, वो कह रहे हैं कि 1 साल में 10 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे गए हैं। और वो कहते हैं कि 75 साल पाकिस्तान की तारीख में ये सबसे बुरे हालात हैं। तो मैं अब पूछता हूँ कि ये लोग जो कोशिश सारी की जा रही है तहरीक इंसाफ को हटाने की, वो इन्हीं लोगों को तो वापस लाने की कोशिश की जा रही है। ये लोग जो 1 साल के अंदर मुल्क की मईशत तबाह कर दी है, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये फिर वापस आके, क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ को ख़त्म करेंगे तो यही लोग होंगे ना, और थोड़े से और लोगों को, रेलू कट्टों को इकट्ठा करके आप कोई और पार्टी में धकेल के हमारे लोग तोड़ तोड़ के कर देंगे, तो चलें यही सोच लें कि तहरीक इंसाफ ख़त्म हो गई तो फिर यही लोग वापस आएंगे। मेरा सवाल ये है कि ये लोग आके फिर क्या करेंगे? कि अगर उन्होंने 1 साल में हमारी मईशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, खुद तो इनको फ़र्क ही नहीं पड़ा,
याद रखें, इनके पैसे मुल्क से बाहर पड़े हैं, इनके डॉलर्स डॉलरों में पैसे बाहर पड़े हुए हैं। ये जो मुल्क नीचे जा रहा है, ये जो महंगाई हो रही है, ये जो रुपया गिर रहा है, उसकी वजह से जो महंगाई और गुर्बत आ रही है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं ये आज कहता हूं कि जितने भी लोग आज यहां ऊपर हमारे मुल्क के फैसले कर रहे हैं, उनको कोई फिक्र नहीं है पाकिस्तान की, क्योंकि उनके पैसे मुल्क से बाहर पड़े हैं। अगर इनके मुल्क से बाहर पैसे पड़े हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इनको जब वक्त आएगा, मुश्किल वक्त आया, मैं आज आपको लिख के दे रहा हूं, सबने मुल्क से बाहर भाग जाना। कम अज कम जो एस्टेब्लिशमेंट है, एक काम तो करे ना, इन सब जो यहां आज फैसले कर रहे हैं, एक काम करे कि इन सबको ECL पे डाले, और ECL पे तब तक डाले जब तक इलेक्शन नहीं हो सकता। क्योंकि अगर इन्होंने, इनका स्टेक ही पाकिस्तान में नहीं है, तो इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ने लगा मुल्क बैठ रहा है। इनको तो, इनके जब डॉलर्स में पैसे पड़े हैं, रुपया गिर रहा है, इनकी तो दौलत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन पाकिस्तानी तबाही की तरफ जा रहे हैं। और मैं आज आपको अपना आखिर में ये भी बता दूं कि मुल्क ठीक होगा कैसे, इस दलदल में से निकलेगा कैसे। सिर्फ एक तरह निकलेगा कि हम अपने ओवरसीज पाकिस्तानी, 10 करोड़ बाहर पाकिस्तानी बैठा। मैं फिर से आपको बता दूं कि सिर्फ अमेरिका के अंदर जो 16,000 पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर्स हैं, उनकी जो सालाना, उनकी जो वेल्थ है, वो $200 अरब है, सिर्फ 16,000 की। जो टॉप इस वक्त 10 पाकिस्तान के बिजनेसमैन है अमेरिका में, उनकी वर्थ $25 अरब है। अगर हमने किसी वक्त भी बाहर से अपना जो ओवरसीज पाकिस्तान ने सरमायाकारी करनी शुरू कर दी, वो ही बचाएगा पाकिस्तान को। जब चाइना ने और इंडिया ने जब अपनी इकोनॉमी खोली, तो सबसे पहले सरमायाकारी ओवरसीज चाइनीज और ओवरसीज इंडियंस ने की। हमारी भी जो सरमायाकारी और फ्यूचर है, वो शॉर्ट टर्म है अपने ओवरसीज पाकिस्तानीज के हाथ में। वो ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं आएंगे। ये जो हरकतें की जा रही हैं, वो लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, यहां से लोग पैसा बाहर लेके जा रहे हैं। इस वक्त जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, वो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, कीमती प्रोफेशनल जिनके ऊपर सरमायाकारी करके उनको ट्रेनिंग दे के, जो जिनके पास हुनर है, उनके लिए तो दरवाजे खुले हैं दुनिया के, वो तो कहीं भी जा सकते हैं दुनिया में। वो छोड़ के जा, जब वो छोड़ के जा रहे हैं, जब हमारा सरमाया मुल्क से बाहर जा रहा है, डॉलर्स मुल्क से बाहर जा रहे हैं, तो ये सारी हरकतें और हो इस वजह से है कि ऊपर तो पहले चोर मुसल्लत कर दिए। मुझे बताएं, कौन मुल्क से बाहर से पैसा लेके आएगा ओवरसीज पाकिस्तानी, जब वो देखेगा कि शहबाज शरीफ और शरीफ खानदान और जरदारी खानदान, इनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं, कौन लेके आएगा पाकिस्तान? जब इनको एतमाद पाकिस्तान की इकोनॉमी में नहीं है, तो वो उनको कैसे एतमाद आएगा पाकिस्तान की इकोनॉमी में? तो किधर से आएगा पैसा? तो शॉर्ट टर्म में तो आना है बाहर से ओवरसीज पाकिस्तानी का पैसा। ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा तब लेके आएगा जब रूल ऑफ लॉ कायम करेंगे, जो आज खत्म किया जा रहा है, जिसकी कब्र खोदी जा रही है। जब तक जस्टिस सिस्टम में, हमारे जस्टिस सिस्टम में इन्वेस्टर को, सरमायाकार को इत्मीनान नहीं होगा, पैसा नहीं आने लगा। और जब तक इस मुल्क में पैसा नहीं आएगा, अपने डॉलर्स नहीं आएंगे, हम ये जो $30 अरब हमने एक साल में देना है, हम किधर से देंगे? हम तो और डॉलर्स ले रहे हैं, हम तो इस वक्त IMF से और कर्जे मांग रहे हैं, हमारे पास तो सकत ही नहीं है पैसे देने की। तो इसलिए मैं उन सबसे पूछता हूं जो तहरीक इंसाफ को खत्म कर रहे हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि उनके पास तो और कोई रोड मैप ही नहीं है, वो तो तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। जो उनकी, उनके पास तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है, इसका मसले के हल ही नहीं है। उनका मसले का हल सिर्फ एक नजर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ऊपर काटा डाल जाए, या वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान के बगैर। लेकिन मैं फिर आखिर में ये कहना चाहता हूं, ये कभी हो ही नहीं सकता। अगर मुल्क की सबसे बड़ी जमात, जिसका पास सबसे बड़ा वोट बैंक है, आप जब उसको जिस तरह खत्म कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की जमहूरियत खत्म कर रहे हैं, और पाकिस्तान की जमहूरियत खत्म करने का मतलब आप मुस्तकबिल खत्म कर रहे हैं, आप आजादी खत्म कर रहे हैं इस मुल्क की,
आप लोगों को गुलाम बना रहे हैं। ये जो सारे हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इसराइल गुलामों के ऊपर फलस्तीनों को गुलाम बना के तो ये हरबे इस्तेमाल करती है। ये कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर में, हिंदुस्तान कश्मीरियों पे कर रही है ये चीज़ें। ये अपने लोगों पे कोई ऐसा नहीं करता जुल्म। और सबसे बड़ी पार्टी को जब आप ख़त्म कर रहे हैं, तो फिर से मैं आपको कहूँ कि जो आपको हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं और करने पड़ेंगे, आगे और करने पड़ेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा वोट बैंक है वो किधर से ख़त्म होगा। तो इसका मतलब मुकम्मल तौर पर यह जुल्म का निज़ाम चलता रहेगा। और आखिर में जब भी आप समझेंगे कि अब पार्टी ख़त्म होगी, तब इलेक्शन करवाएंगे, वो जमहूरियत ख़त्म हो जाएगी। मुजीब रहमान को जब इन्होंने उसके खिलाफ क्रैक डाउन किया, हमने पाकिस्तानियों ने क्रैक डाउन किया, जिसको प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए था, उसकी पार्टी को बैन कर दिया, कलदम कर दिया, तो उसके बाद जो इलेक्शन करवाया उसकी क्या हैसियत थी? क्या वो इस पाकिस्तान के लोगों ने माना था वो जो इलेक्शन के बाद लोग सामने आए थे? किसी ने, कोई भी उनमें से बचा था जैसे वापस जब उनके पास, उनको वो आज़ाद हो गए हमारे से? तो ये भी जो लोग आप इलेक्शन करवाएंगे, ये रेलू कट्टों की और ये जो सारे चोरों को और ये जो सब इकट्ठे हुए हुए हैं मनी लॉन्डरर्स, ये जो मुल्क में सजाए याफ्ता बेल के ऊपर लोग, तो जब आप, क्या आपका ख्याल है कि इससे कौम मान जाएगी इनकी? क्या कौम इनकी हुकूमत मान जाएगी? वो आज ही नहीं मान रही। वो इतने डरे हुए हैं कि सब कुछ होके भी वो तो इलेक्शन से भाग रहे हैं, 10,000 वर्कर भी अंदर है, फिर भी डरे हुए हैं इलेक्शन करवाने में, फिर भी कह रहे हैं कि अगली मार्च तक इलेक्शन होगा। तो मैं आज जो भी इस मुल्क में ताकत में बैठे हुए हैं, मेरा आपको सिंपल ये पैगाम है कि जिस रास्ते पर आप ये लेके जा रहे हैं, इसमें पाकिस्तान की तबाही है, अंधेरा है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है, और इतनी मायूसी फैली हुई है पाकिस्तान में, उम्मीद ख़त्म होती जा रही है कि लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। अभी भी वक्त है, कोर्स करेक्शन करें, रास्ता बदलें, और रास्ता सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। पाकिस्तान जिंदाबाद।